गुड नून टू एवरी वन. टूडे डिस्कस अबाउट यू नो इंडस्ट्रियल स्टोचोमेट्री एंड ऑल्सो एम बी बी सी यूनिट नंबर 5 और 4 विथ केमिकल रिएक्शंस. ओके, मिक्सचर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना बेसिस पर आप एक एक्जाम्पल सॉल्व करवाना है जहाँ रिएक्शंस आ प्रमाण है. इन प्रीवियस लेक्चर में आप एक्जाम्पल नंबर 21, 22 जो था और आप मोस्ट ऑफली इम्पोर्टेंट एक्जाम्पल सॉल्व करीशू जो एक्जाम्पल 4.25 है. ओके, तो स्टार्ट करिए. एक्जाम्पल 4.25, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड हाइड्रोजन इज पास ओवर अ निकल कैटलिस्ट इन अ कैटालिटिक रिएक्टर ऑपरेटेड एट 588 केल्विन एंड 202 मेगा पास्कल्स एंड द गैस मिक्सचर लिविंग द रिएक्टर इज एनालाइज टू कंटेन 57.1% कार्बन डाइऑक्साइड 41.1% हाइड्रोजन 1.62% मिथेन एंड 0.12% कार्बन मोनोक्साइड बाय वॉल्यूम में आप ड्राई बेजिस पर. ओके, द रिएक्शंस टेकिंग द प्लेस इन अ कैटालिस्ट कैटालिटिक रिएक्टर आर दिस वन रिएक्शन CO2 प्लस 4O2 गिव्स टू CH4 प्लस 2H2O CO प्लस CO2 प्लस H2 गिव्स टू CO प्लस H2O ओके द फाइंड आउट दिस एग्जाम्पल द कन्वर्जन ऑफ CO2 पर पास सेकेंड वन द यील्ड ऑफ मिथेन इन टर्म्स ऑफ द CO2 रिएक्टेड एंड द कंपोजिशन ऑफ दिस फीड दिस वन. ओके, द फाइंड आउट द ऑल थ्री स्टेप्स वन बाय वन फॉर दिस एग्जाम्पल जिना डेटा प्रमाण अपन आप 57.1% CO2 41.1% हाइड्रोजन अने 1.68% CH4 अने 0.12% कार्बन मोनोक्साइड बाय वॉल्यूम अने ड्राई बेजिस तरीके आप. तो ओके, तो फाइंड आउट करिए आप द कन्वर्जन ऑफ CO2 पर पास द यील्ड ऑफ CH4 इन टर्म्स ऑफ द CO2 रिएक्टेड अने द कम्पोजिशन ऑफ द फीड. तो स्टार्ट करिए आप बेसिस अपन आप 100 kmol ऑफ गैस मिक्सचर लिविंग द रिएक्टर ना बेजिस पर इट कंटेन्स 57.1 kmol ऑफ CO2 41.1 kmol ऑफ हाइड्रोजन 1.68 kmol मिथेन एंड 0.12 kmol ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. ओके, द रिएक्शंस ना बेजिस पर जो CO2 प्लस 4O2 गिव्स CH4 प्लस 2H2O CO2 प्लस H2 गिव्स CO प्लस H2O कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर. द CH4 प्रोड्यूस इज इक्वल टू 1.68 kmol एंड CO2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0.12 kmol. तो CO2 रिएक्टेड बाय दिस रिएक्शन वन फॉर 1.68 kmol ऑफ अपन ने मिथेन आप. ओके, 1.68 अपन ने मिथेन आप तो 1/1 × 1.68 kmol अपन ने CO2 रिएक्टेड बाय रिएक्शन वन ना बेसिस पर अपन ने मळशे एंड द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेड बाय दिस रिएक्शन टू फॉर 0.12 kmol ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज इक्वल टू 1/1 × 0.12 इज इक्वल टू 0.12 kmol. एज फ्रॉम दिस रिएक्शन 1 kmol ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 kmol ऑफ मिथेन अने 1 kmol ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 kmol ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. CO2 टोटली रिएक्टेड इज इक्वल टू 1.68 प्लस 0.12 इज इक्वल टू 1.8 kmol. CO2 unreacted is equal to CO2 is a gas mixture is equal to 58.9 kmol.
मटेरियल बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू चार्ज थे पची जेना जे मोल से रिएक्टेड और अनरिएक्टेड तो रिएक्ट सीओ टू रिएक्टेड प्लस सीओ टू अनरिएक्टेड बेसिस पर वेल्यू पुट करो और आंसर मेड़वो पची हूँ सॉल्व कराशु तमने दिस वन सीओ टू चार्ज इज इक्वल टू सीओ टू रिएक्टेड प्लस सीओ टू अनरिएक्टेड तो 1.8 प्लस 57.1 इज इक्वल टू 58.9 किलो मोल है तो सॉल्व दिस एग्जांपल परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ सीओ टू पर पास इज इक्वल टू सीओ टू रिएक्टेड बाय सीओ टू चार्ज मल्टीप्लाइड 100 तो 1.8 बाय 58.9 मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू 3.056 अपन ने आंसर मिल से तो परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस सी एच फोर इज इक्वल टू किलोमोल ऑफ सीओ टू रिएक्टेड टू ए सी एच फोर अने किलोमोल ऑफ सीओ टू टोटली रिएक्टेड मल्टीप्लाइड 100 तो 1.68 बाय 1.8 मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू 93.33 नो आंसर आवशे ओके सीम्पली तो मटीरियल बेलेंस ऑफ सीओ टू चार्ज अनरिएक्टेड अने रिएक्टेड बेसिस पर तो अपन यील्ड मळे छे परसेंटेज यील्ड ऑफ दी मिथेन नी तो किलो मोल ऑफ सीओ टू रिएक्ट थाय छे त्यारे અને ટોટલી રિએક્ટેડ થાય છે તેટલું તો ફાઇન્ડ ધીસ વેલ્યુ 1.68 બાય 1.8 મલ્ટીપ્લાઇડ 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 93.33 ઓકે તો હાઇડ્રોજન રિએક્ટેડ બાય ધીસ રિએક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 બાય 1 મલ્ટીપ્લાઇડ 1.68 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.72 કિલોમોલ તો હાઇડ્રોજન રિએક્ટેડ બાય ધીસ રિએક્શન तो 1/1 मल्टीप्लाइड 0.12 इज इक्वल टू 0.12 किलो मोल आवशे तो हाइड्रोजन ना टोटली मोल्स केला छे आपणी पासे 6.72 अने ऑक्सीजन ना केला छे रिएक्शन्स रिएक्टेड बाय दिस सेकंड वन 0.12 छे तो टोटल केटला मळे छे 6.84 किलो मोल तो हाइड्रोजन चार्ज इज इक्वल टू एच टू रिएक्टेड प्लस एच टू अनरिएक्टेड तो फाइंड आउट दिस वेल्यू 6.84 प्लस 41.1 तो केटला आंसर आवशे 47.94 किलो मोल आंसर आवशे आपणी पासे ओके तो फाइंड आउट दिस फॉर्म्यूला एंड टोटली कैलक्युलेटेड ओके टोटल क्या 106 एज रीते एच टू ने फाइंड करो अने दिस इज अ 4.26 आप एक्जाम्पल जो है तो राइट डाउन योर डेटा दिस इन योर नोटबुक ઓકે તો હાઉ ધી ફાઇન્ડ આઉટ વેલ્યુ એસ ટુ ના કેટલા છે 47.94 અને સીઓ ટુ ના છે 58.9 તો 106 ને ડિવાઈડ કરો 47.94 બાય 106.84 તો કેટલા આવશે 44.87 એ જ રીતે સેકન્ડ ને ફાઇન્ડ આઉટ કરો સીઓ ટુ માટે 58.9 બાય 106.84 તો કેટલા મળશે 55.13 नाउ एग्जाम्पल नंबर 4.26 क्लोरोबेंजीन इज अ नाइट्रेटेड यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड इन द पायलट प्लांट फॉर रन 100 केजी ऑफ क्लोरोबेंजीन 106.5 केजी ऑफ नाइट्रिक एसिड
65.5% જે ભાઈ પૈસા આપણને સ્ટ્રેન્થ ઓફ 108 કેજી ઓફ સલ્ફરિક એસિડ અને 93.6% સ્ટ્રેન્થ આપી છે એની. તો સ્ટ્રેન્થ આર ચાર્જ ટુ અ રિએક્ટરના બેઝિસ પર જોઈએ. આફ્ટર ધ 2 અવર્સ ઓફ એની ઓપરેશન્સ ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ મિક્સચર ઇઝ એનાલાઇઝડ એન્ડ ફોર્મ ટુ કન્ટેન ધીસ બેઝિસ 2% અનરિએક્ટેડ ક્લોરોબેન્ઝીન અને પ્રોડક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પાર્ટ ફોર ધીસ વન 66%. ઓકે, તો પહેલાં નાઇટ્રોબેન્ઝીન નાઇટ્રોક્લોરોબેન્ઝીન 34% છે અને ઓર્થો નાઇટ્રોક્લોરોબેન્ઝીન ઇઝ વેટમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો રિએક્શન જોઈ લો ખાસ તમે એકવાર. ધીસ ઇઝ ધ ટુ રિએક્શન્સ અને વોટ ઇઝ ધ ફાઇન્ડ આઉટ એનાલિસિસ ઓફ ધ ચેન્જ અને પર્સન્ટેજ કન્વર્ઝન ઓફ ધ ક્લોરોબેન્ઝીન એન્ડ કોમ્પોઝિશન ઓફ ધીસ મિક્સચર. આ બે રિએક્શન્સ ખાસ જોઈ લો. ક્લોરોબેન્ઝીન પ્લસ HNO3 તો આપણને બનશે PNCB અને ONCB. ઓકે, તો વોટ ઇઝ ધ ફાઇન્ડ આઉટ ધીસ વેલ્યુ એનાલિસિસ ઓફ ચેન્જ સેકન્ડ વન પર્સન્ટેજ કન્વર્ઝન ઓફ ક્લોરોબેન્ઝીન અને કોમ્પોઝિશન ઓફ ધીસ પ્રોડક્ટ મિક્સચર. એટોમિક વેટ આપ્યા છે તમને, H=1, N=14, S=32 અને C=35.5. તો વેલ્યુ પુટ કરો. બેઝિસ આપ્યો છે 100 kg ક્લોરોબેન્ઝીન, 106.5 નાઇટ્રિક એસિડ, 65.5 બાય HNO3, 108 kg. તો સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એનું. ધીસ વન જોઈ લો એક વખત. HNO3નો ચાર્જ માટે, H2SO4ના ચાર્જ માટે અને વોટરના ચાર્જ માટે. તો સિમ્પલી બંનેને ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. 106.5 ગુણ્યા 0.655 તો 69.758 kg આવશે. 108 ગુણ્યા 0.936 બરાબર 101.88 આવશે. તો બંનેને એડ કરો તો આન્સર આવશે 43.655. ઓકે, તો બધાના મોલ્સ રિએક્શન્સ આપ્યા છે એ પ્રમાણે. બેન્ઝીનના કેટલા છે? 65.5. સલ્ફરિક એસિડના છે 93.6. HNO3, H2SO4, PNCB અને ONCB. રિએક્શન્સ આ પ્રમાણે છે. મોલ્સ આપણે આ રીતે ફાઉન્ડ આઉટ કર્યા. ક્લોરોબેન્ઝીનના 100 31.80, HNO3 22.18, H2SO4ના 32.14, H2O ના 13.88. તો આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરો. મોલ્સ મળ્યા છે ને આપણને આ રીતે બધા. ધીસ વન 43.101.69. ઓકે, ઓલ થ્રીઝ મોલ. ધીસ વન નાવ ફાઇન્ડ આઉટ ધીઝ અમાઉન્ટ ઓફ ચાર્જ 314.501 છે. તો અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ મિક્સચર કેટલું મળશે? 314.501 કેજી મળે છે. એ રીતે અનરિએક્ટેડ માટે 314.501 × 0.02 = 6.29 kg મળશે. બંનેને માઇનસ કરી નાખો ત્યારે આન્સર મળી જશે 100 - 6.29 = 93.71 kg. ઓકે, પર્સન્ટેજ કન્વર્ઝન બી સેમ રીતે મળવાનું જે છે, કેમ કે અહીંયા તો 100 કેન્સલ થઈ જવાના. આન્સર આવશે 93.71. ઓકે, હવે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે તમારે. 1 kmol ક્લોરોબેન્ઝીન, 1 kmol HNO3, 1 kmol H2O. તો 112.5 ક્લોરોબેન્ઝીન બરાબર 63 kg HNO3 છે ઓન અ વેટ બેસિસ પર જોઈ લો. અને HNO3 અનરિએક્ટેડ થાય રિએક્ટેડ માટે એનો આન્સર આવશે 52.478 kg. અને HNO3 મટીરિયલ બેલેન્સ કેટલું છે આપણી પાસે ચાર્જ અને રિએક્ટેડ માટે ફાઇન્ડ કરો, કેમ કે આપણે અનરિએક્ટેડ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો કેટલા આવે છે? 17.28 kg. તો વોટર પ્રોડ્યુસ માટે જોઈએ તો 93.71 kg ક્લોરોબેન્ઝીન છે. 18/112.5 કરો મલ્ટીપ્લાય 93.71, આન્સર આવશે 14.994 kg. ઓકે, ટોટલ વોટર ઇન ધ પ્રોડક્ટ મિક્સચર. તો વોટર ઇન ચાર્જ પ્લસ વોટર પ્રોડક્ટ તો 43.655 + 14.994 બરાબર
58,650 के जी आवशे बराबर। तो पीएनसीबी पेरेन हाइड्रोक्लोरोबेंजीन 66% है और टोटल नाइट्रोबेंजीन्स है आप 34%। तो बंने ने फाइंड आउट करो तो आ रीते आंसर आवशे। ऑल डेटा अपनी पास आ रीते है एनालिसिस माटे। ओके स्टार्टिंग नथी एंड सुधी लईने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ने सिक्स्थ। ओके थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में आप मोर एक्जाम्पल सॉल्व करीशू। थैंक यू।